महाप्रभुंकर आज हूँ जन्मदिवस द्वादश यात्रा भितर आज हूँ गोटे यात्रा जोटा कि प्रत्यक्ष भाव में महाप्रभु मंच स्नान करने निजे आसिक पहुँची जाइंट स्नान मंडपर स्नान गुंडीचाए बेनी स्वयं नीला जार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर तेणु से यात्रा महाप्रभु जिते रत्न सिंहासन परित्याग कर बाहर को आसी से बेले सफा कर जो दायित्व से केवल ये चुनरा सेवक मान हाथ में न्यस्त करें आज प्रत्युषु महाप्रभुंर धाड़ी पहंडी समापन अंते चुनरा सेवक मैंने जाकि चार उपरे ठिया होकर गर्भगृह जो चांदुआ बंधाई थी रत्न चांदुआ ताकू खोली से चांदुआ वर्षक जाकर जिते अखंड दीपमान जलुले प्रज्वलित होते से दीपर कलागुड़िक रत्न सिंहासन चतुर्पार्श्व एवं उपरिस्थ छातरे जमा हो रही है रत्न चांदुआ तेणु ताकू खोलिया द्वारा आम मैंने से कला रंग में रंगायित हो जाइ महाप्रभुंर तेणु से ही कला हाथी आज हाथी बेश हो भक्त मान को स्नान मंडपुर दर्शन देवे तेणु आज तर से कला व पोखरिया घर कला पावच्छ कलाहाट दुआर ठारू रत्न सिंहासन पर्यंत संपूर्ण कालीमामय जो सिंहासन घर ताकू आज रत्न चांदुआ फिटेकर सेवा सारिकी जेतेबेले चुनरा सेवक माने प्रस्थान करुछंते महाप्रभुंकर से दिव्य कलागुड़िक आम देहरे लागी जाइछि ये गोटे अपूर्व सुजोग तेणु यही कलागुड़िक जेतेबेले आम जेतेबेले देहरे मुंडेरे लगेकर आसिलु सेतेबेले भक्त मानक भितरे गोटे उन्मादना खेलीगला जे प्रकृतरे एभली कोन सेवक महाप्रभुंकर जेतक सेवक सेमाने सब सिंगारी सेवक पुष्पाळक जो सेवा जो माने करी था दिव्य सौंदर्यवंत से माने पुरुष जहाँ कि सौंदर्य देवता माने ईर्ष्वान्वित होता किंतु एभली सेवक महाप्रभुंर अच्छा जे त्रिपंड कला आज बाहर को प्रस्थान करुनरा सेवक जी कि चून लेपी था महाप्रभु चूड़े श्रीमंदिर चूड़े आज महाप्रभुंर से रत्न चांदुआर को फिटेई जितेबले अंगर सबुगुड़िक आज कलागुड़िक महाप्रभु कलागुड़िक देहरे लगी भक्त मैंने आसिक देहर घसी जाऊँच हाथी कला नहीं निज कपाल बोलू सब देखा आज मिलूँ वर्षक आज गोटे दिन जो दिन कि महाप्रभुंर रत्न सिंहासन घर चांदुआ खोला ही थाए पुणी आसंता वर्ष को देवस्नान पूर्णमी अवसर में चांदुआ पुणी खोल वर्षक जाकर जिते भोग कैबल्य बढ़ा हुए सका धूप मध्यान धूप संध्या धूप बड़ सिंगार भोग से भोगगुड़िकर बांफगुड़िक रत्न चांदुआ लगी थाएं भक्त मानकर जिते सब आकुल कंठे नवेदन करी अखंड प्रदीप मान राशि तेल प्रज्वलित कर कहीं विद्युत आलुओ से घर भितर के जली न थाए तेणु से कलागुड़िकर एक आस्तरण रही जाए जहाँ को सफा कराए आज दिन में महाप्रभुंर अवर्तमान अर्थात महाप्रभु जिते बड़े देवस्नान मंडपर उभा आज दिन में से गर्भगृह को परिष्कार करवल से चुनरा सेवक मैंने सेवा करता जय जगन्नाथ जय श्रीराम जय श्रीनाथ महाप्रभुंर नीला अपार कालियां प्रत्येक दिन नीला करते कहीं महाप्रभु स्वयं शिव पुरुषोत्तम नीला करने को ही कलयुगर ये महाप्रभु दारू ब्रह्म रूप धारण कर महाप्रभुंर सेवा पूजा करने बहुत सेवा पूजा खंजा जाइए कालिया सांत राजा आदि राजा राजेश्वर महाप्रभु राजा को सेवा करने आम एक छोट छोट चाकर तुमको सेवा पूजा करने महाप्रभु को कमी कष्ट न हो प्रत्येक सेवा प्रत्येक सेवायत निष्ठापुर सहित सेवा कर चलते आज पर्यटन आज आम गोटे महाप्रभुंर आशीर्वाद एक सेवा थाए चांदुआ फिटा सेवा कालिया सांत प्रत्येक सेवा आमको प्रदान करमी गरुड़ स्नान नित्य पताका परिवर्तन जो सेवा आ मकर संक्रांति जमी चून दौड़ा आउ गेरुवला महाप्रभु चून दौड़ा बोली से जो आमको चूना सेवक डक गरुड़ स्नान करम गरुड सेवक भी डक जाए तेणुक महाप्रभु रजा आज आमको पहाई आज जो स्वतंत्र सेवा कालिया सांत जन्माष्टमी कालिया सांत जन्मदिन आज कहीं महाप्रभु आज प्रकटिक उत्सव महाप्रभु आज प्रकट होते कालिया सांत ये पृथ्वी को ओडिशा को धन्य करते महाप्रभु ओडिशा ही पूरी प्रकट होमुक कृतार्थ करते पृथ्वी को कृतार्थ करते जनजीवन को कृतार्थ करते कालिया सांत आज प्राकृतिक उत्सव में महाप्रभु जो वर्ष को थे कालिया सांत चांदुआ खोल जाए कत आजिका दिन में कहीं नीलाद्री पूजा पूर्व महाप्रभु नूतन चांदुआ कनकमुंडी चांदुआ भोग भोग जो गर्भगृह चांदुआ सब चांदुआ बंधा जाए कि आज सब चांदुआ खोल जाए कला महाप्रभुंर शरीर कला से कला स्वतंत्र ये जो से ही कला नुह ये एक स्वतंत्र कला कालिया सांत स्वतंत्र कला से कला क्या संगे मिसबन सी स्वतंत्र भाव में कालिया सांत कला से जो कहुए ना षोल कला षोल कलार बाबू नंदवाला से महाप्रभुंर से कला आज आम देहर लगी कत
ଯେତେବେଳେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଦେବସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି 108 କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି, ରଜା ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କଳାକୁ ଆମେ ଦେହରେ ସାରା ଶରୀରରେ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ବୋଳି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଫିଟାଗଲା, ଫିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ କେଉଁଠି ରଖିବା କଥା ସେଠି ରଖିବୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର। ତାପରେ ଯାହାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ନେବୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ନୀତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ନୀତିରୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ କଳା ଆମ ଶରୀରରେ ବୋଳି ହେଇ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମୋ ଶରୀର କଳା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କେତେବେଳେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ? ସ୍ନାନ କରିବେ ଆଉ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ ମାନେ ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇ ଦର୍ଶନ। କାରଣ ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ସେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତି ସରିଥିଲା, ମଙ୍ଗଳାଳତି ସମୟରେ ଅବକାଶ ସରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଚାଲିଛି, ସେ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରେମ ହୋଇ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସି ଯେଉଁ ବେଶକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବେଶକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଜଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଗଜାନନ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମଣିଷ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର।